हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का NCERT जोन में। फ्रेंड्स, हम कंप्लीट लूसेंट का जीके करने का ट्राई कर रहे हैं। इसमें हम गांधीयन एरा स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम गांधी जी का पूरा क्रोनोलॉजिकल व्यू करेंगे, ठीक है ना। पूरा उनका ओवरव्यू करेंगे कि जब से उनका जन्म हुआ उसके बाद से अभी तक क्या क्या हुआ, ठीक है ना। इस वीडियो में हम सिर्फ उनके बारे में पूरा जानने का ट्राई करेंगे क्रोनोलॉजी बेस्ड बेसिस पे कि साउथ अफ्रीका कब गए, उसके बाद क्या क्या होता है। मतलब मेन इसमें हम देखेंगे साउथ अफ्रीका में क्या क्या किया, इंडिया में क्या क्या किए, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे, जब वो इंडिया में क्या क्या किए उससे उसको अंदर से डिटेल में घुस घुस के सब कुछ करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उनको बारे में बता दूं कि उनका जन्म हुआ था पोरबंदर में 1869 में 2 अक्टूबर को, और 2 अक्टूबर, ठीक है। तो गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर में 1869 में 2 अक्टूबर को, ठीक है। हम देखिए उसके बाद गांधी जी का जो पढ़ाई वढ़ाई हुआ होगा, उसके बाद गांधी जी को साउथ अफ्रीका में दादा अब्दुल्ला बुलाते हैं। गांधी जी को एज ए लीगल एडवाइज़र रखना चाहते हो, ठीक है ना। जैसे ही गांधी साउथ अफ्रीका में जानते हैं तो साउथ अफ्रीका में उनको वो पहली बार वाइट का इतना गंदा फेस देखते हैं। मतलब असली चेहरा जो होता है ना, कि जो ब्रिटिश लोग का जो अगली फेस जो क्योंकि ये भी इंग्लैंड वगैरह में पढ़ाई किए तो वहाँ पर तो सही था, लेकिन यहाँ पर पहली बार विटनेस करते कितना अगली फेस है वाइट का, ठीक है ना। सबसे पहले 1893 में वो गांधी वहाँ साउथ अफ्रीका गए, वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखते बहुत तरह के, ठीक है ना। उसके बाद पहला तो इंसिडेंस यही था, गांधी जी वॉज थ्रोन ऑफ, मतलब पहले क्लास के टिकट होने के बावजूद भी उनको हटा दिया जाता है क्योंकि वो वाइट नहीं थे, ठीक है ना, ये 7 जून का। उसके बाद पता है स्टार्टिंग में गांधी जी वहाँ पे गए तो स्टार्टिंग में गांधी जी का जो स्ट्रगल था वो मॉडरेट टाइप का था, कि न्यूज़पेपर के मदद से बताते हैं या कोई मैगजीन लिख के कुछ ऐसे ही ऐसे करते हैं। स्टार्टिंग में गांधी जी अपना मेन अस्त्र और शस्त्र नहीं अपना रहे थे। जैसे उनका मेन अस्त्र शस्त्र क्या था, सत्याग्रह, नॉन कॉरपोरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस। देखो गांधी जी स्टार्टिंग में ये सब नहीं अपनाते थे। गांधी जी स्टार्टिंग में पहले क्या किए, उन्होंने एक नेटल इंडियन कांग्रेस बनाया, एक ग्रुप बनाया, ऑर्गेनाइजेशन टाइप बनाया। उसके बाद 1899 में उन्होंने एक इंडियन एम्बुलेंस कोर बनाया वोर वार के समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए उनको इसी लड़ाई के बाद उनको वो मिला था केसर ए हिंद, ठीक है ना। क्योंकि इस पर्टिकुलर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट के लिए उनको केसर ए हिंद मिला था 1914 ईस्वी में। उसके बाद उन्होंने एक इंडियन ओपिनियन मैगजीन लिखना स्टार्ट किया। उसके बाद उसने एक फोनिक्स फार्म इस्टेब्लिश किया डरबन के आसपास, ठीक है ना। उसके बाद 1906 में क्या हुआ, अब देखो गांधी जी को अब तो लग गया गांधी जी को कि भाई इनसे बात नहीं बनने वाली है, कि पेपर मैगजीन इससे बात नहीं बनने वाली है, क्योंकि ये ऐसे मानने वाला नहीं है, इनको अपना अस्त्र शस्त्र दिखाना होगा, यानी अपना सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसओबीडियंस वाला अस्त्र शस्त्र दिखाना होगा। तो सबसे पहले ये करते हैं 1906 में पहला CDM मूवमेंट करते हैं, ठीक है ना, अगेंस्ट एशियाटिक ऑर्डिनेंस इन ट्रांसवाल। तो आप सिर्फ याद रखना रख लो कौन से, क्योंकि ये बहुत डिटेल में अभी जाना नहीं है, क्योंकि डिटेल में चले जाओगे तो एक अलग ही टॉपिक है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 1907 में भी एक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, क्योंकि हमें जो एशिया के लोग गए थे, इंडियन या जो भी गए थे, उनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इसका मतलब ये आप सीधा सीधा डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। उसके बाद एशियन एक्ट, एक ब्लैक एक्ट लाया था कि ये पर्टिकुलर जगह पे एंट्री नहीं, यहाँ पे एंट्री नहीं, यहाँ पे एंट्री नहीं है, एक पर्टिकुलर जगह पे ही आपको रहना है, ऐसे ऐसे बातें, ठीक है ना। उसके बाद 1908 में इनको जेल में बंद कर दिया गया, सब इसी सब कारण के लिए। ट्रायल एंड इम्प्रिजनमेंट इन जोहान्सबर्ग, जो पहली बार इनको जेल जाने पड़े। 1910 में इन्होंने टोलस्टॉय फार्म बनाया, जो कि गांधी आश्रम, जो साबरमती आश्रम के पास जो उनका आश्रम है, उसी टाइप का आश्रम वहाँ पर भी बनाया जोहान्सबर्ग के बगल में, ठीक है ना। 1913 इसमें फिर से सत्याग्रह किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पता है क्या हुआ था, यहाँ पे कर दिया गया था
कि जो नॉन क्रिश्चियन थे यानी वाइट के अलावे जो भी थे उनके शादी को क्या किया गया था, डी और रीऑर्गेनाइज कर दिया था, मतलब डी रिकॉग्नाइज, मतलब कि कोई शादी मानी ही नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो इन्होंने इसके खिलाफ लड़ा था, सत्याग्रह किया था कि मतलब ऐसे तो फिर मतलब जो भी लोग साथ रह रहे हैं वो हस्बैंड वाइफ, अभी तक हस्बैंड वाइफ थे, अब तो मान लिया जाए कि इलीगली साथ रह रहे हैं ना। उसके बाद 1914 ईस्वी में उनको केसर हिंद की उपाधि मिली, क्यों, इंडियन एम्बुलेंस कोर जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है ना, वोर बार के समय में। अब आते हैं इंडिया में, आ जाते हैं इंडिया में। सबसे पहले 9 जून 1915 के आते हैं, 9 जून 1915 को सबसे पहले सत्याग्रह आश्रम बनाते हैं अहमदाबाद के आसपास है। उसके बाद अपने आश्रम को शिफ्ट कर देते हैं साबरमती के आसपास, ठीक है ना। उसके बाद ऑल इंडिया टूर लेते हैं, इनको गोपाल कृष्ण गोखले एक्चुअली बुलाते हैं। तो स्टार्टिंग में इनका कोई मोटिव नहीं था कि सीधे आए और इंडियन नेशनल कांग्रेस तो ठीक ठाक है ही, क्योंकि उसमें सीधा ज्वाइन करें, नहीं, ये चाहते थे मैं पहले जानूं कि मेरे देश के लोग क्या सोचते हैं, मेरे देश के लोगों को प्रॉब्लम क्या था, पूरा टूर करना चाहते थे पूरे देश का, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या, 1916 ईस्वी में इन्होंने स्पीच दिया, कब, जब बीएचयू का जो ओपनिंग सेरेमनी था ना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का 4 फरवरी का, ठीक है ना। स्टार्टिंग में तो मैंने बोला ना, स्टार्टिंग में चाहते थे कि पूरे देश का टूर करे लेकिन पॉलिटिक्स से दूर रहे, लेकिन फिर भी जो पॉलिटिक्स का मेन इवेंट होता है वहाँ पे जाके वो बैठते ही थे। जैसे 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, लखनऊ मर्जर लखनऊ पैक्ट हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस आके मिले थे, और इवन जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट भी फिर से मिल गए थे, यहाँ पर भी गांधी जी थे, पता चला गांधी जी कि वहाँ पर प्रेजेंस ही दोनों को मिला दे रही थी। तो वहाँ पे उनका मुलाकात होता है राजकुमार शुक्ला जी से। राजकुमार शुक्ला एक बिहार के कल्टीवेटर थे, वो रिक्वेस्ट करते गए, सर चलिए बिहार में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, खासकर चंपारण में इंडिगो की फसल करने। तो वहाँ पे फिर जाते हैं, अब गांधी जी स्टार्ट कर देते हैं। अभी तक गांधी जी नॉर्मल सिर्फ घूम रहे थे, पता कर रहे थे, लेकिन गांधी जी अब अपना अस्त्र शस्त्र जो कर था उनके पास उसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले गांधी जी चंपारण जाते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे लोगों का प्रॉब्लम जानते हैं। तो वहाँ पे तीनकटिया सिस्टम था, आपको पता है तीनकटिया सिस्टम था। तो गांधी जी सबसे पहले उसको छानबीन करने लगते हैं, फिर गांधी जी बताते हैं यूरोपियन की कि प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो गांधी तो पहले तो मानने को तैयार ही नहीं थे। उसके बाद एक कमीशन बैठाई जाती थी जिसमें गांधी जी को भी मेंबर बनाया गया, कमीशन बैठाई गई, गांधी जी को मेंबर बनाया गया। फिर गांधी जी इन लोगों को समझाने में कामयाब हो गए, मतलब यूरोपियन को, कि ये गलत है, ठीक है ना। तो उसके बाद ये था उनका पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। CDM का मतलब होता है कि उनके बात को मानना नहीं, ठीक है ना। सबसे पहले डिसओबे का मतलब क्या होता है, उनको मानना नहीं। देखो ध्यान देना, डिसओबीडियंस मतलब कि जो हमारे लिए, देखो उस समय ब्रिटिश हमारे लिए कानून बनाते थे लेकिन वो कानून हमारे लिए नहीं होते थे, वो कानून उनके फ़ायदे के लिए होते थे। तो गांधी जी एक बात हमेशा बोलते थे, जो कानून, देखो वो कानून को बहुत मानते थे लेकिन ऐसा हमेशा मानते थे, जो कानून आपके लिए बनाया ही नहीं गया है, जो कानून आपके हित में बनाया ही नहीं गया तो उसको मानो ही नहीं, तो उसी को बोलते CDM। तो पहली सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुआ था इंडिया में चंपारण में। उसके बाद गांधी फिर जाते हैं अहमदाबाद में। एक्चुअली पता है क्या होता है, जो अहमदाबाद में मिल वर्कर को प्रॉब्लम हुआ था, तो गांधी जी पहले बार उससे हंगर स्ट्राइक करवाते हैं, ठीक है ना। कि एक्चुअली हुआ क्या था, मिल ऑनर और वर्कर के बीच प्रॉब्लम था कि वो बोनस नहीं दे रहे थे, प्लेग बोनस, ठीक है ना। तो एक्चुअली उस समय वर्कर का साथ दे रहे थे एक्चुअली, जो उस समय उस मिल ऑनर का नाम था अंबालाल साराभाई, तो वर्कर का साथ दे रहे थे एक्चुअली, जो वर्कर की बहन थी, नहीं सॉरी ऑनर की बहन वर्कर लोगों का साथ दे रही थी। और एक्चुअली आपको पता है गांधी जी और मिल ऑनर का जो था अंबालाल साराभाई, वो दोनों दोस्त थे। तो गांधी जी इसके बाद ये भी लोगों को कहने में सक्षम हो गए कि अगर आपका दोस्त गलत कर रहा है ना तो उसके खिलाफ भी जाओ। तो यानी उनका दोस्त भले ही गलत कर रहा था लेकिन उसके खिलाफ गए, ठीक है ना। यहाँ पे भी गांधी जी की जीत होती है। उसके बाद खेरा में स्ट्राइक करते हैं, तो खेरा में तो गांधी जी अहमदाबाद में क्या किए, अहमदाबाद में जो अहमदाबाद के मिलिस्ट में स्ट्राइक किए हैं, ठीक है ना, स्ट्राइक किए हैं। तो अभी तक देखना, पहले में चंपारण में क्या किया, पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, कोई बात नहीं माने।
खेरा में क्या करते हैं, खेरा में क्या होता है, खेरा में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था कि ऐसा ब्रिटिश के रेवेन्यू कोड में था कि अगर आपका प्रोडक्शन 1/4 से कम होता है तो आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होगी। ध्यान देना क्या बोला मैंने, कि अगर आपका प्रोडक्शन नॉर्मल से 1/4 से भी कम होता है, नॉर्मल अगर 100 kg हो रहा है, इस बार ये आपका 20 kg हुआ, तो 1/4 से कम हुआ ना, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बारी क्या होता है कि नॉर्मल प्रोडक्शन से 1/4 से भी कम होता है, फिर भी मांगने, मतलब फिर भी ब्रिटिश मानने को तैयार ही नहीं है, तो अब गांधी जी की सपोर्ट करते हैं। ठीक है ना, कि आप रेवेन्यू दे ही दो ही मत, यानी उनको कोऑपरेट करो ही मत, मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो खेरा में पहली बार होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो गांधी जी 3 में 3 लड़ाई जीत चुके थे, तो ब्रिटिश को अब आ जाते हैं, ब्रिटिश क्योंकि लड़ाई बार बार जीत रहे थे, तो ब्रिटिश को लगता है यार देखो गांधी जी इधर जीत रहे हैं, उधर एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स मिल गए हैं, उधर उसके साथ मुस्लिम लीग भी मिल गए, तो यार इनका तो नेशनल मूवमेंट और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, नेशनल मूवमेंट जैसे ही बढ़ेगा तो हमारे साथ प्रॉब्लम होने लगेगी। तो यहाँ पे एक एक्ट लाते हैं, वो क्या एक्ट था कि देखो क्या होता है कि एक कमेटी बैठाई जाती है, एक कमेटी एक्चुअली बैठाई जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। क्या कमेटी को क्या क्वेश्चन पूछा गया, वो कमेटी के हेड थे रॉलेट, ठीक है ना, कमेटी को ये बताया गया था कि आप सर बताओ, कुछ ऐसा बताओ जिसमें हम नेशनलिस्ट जो मूवमेंट हो रहा है ना उसको कमांड किया जा सके, न गांधी जी मैच जीत सके, न ये सब इतने जो मूवमेंट करे वो सब नहीं, मतलब कैसे कमांड करें। तो बताते हैं कि चलो रॉलेट बताते हैं कि एक ऐसा एक्ट लाओ जिसमें बिना ट्रायल के कारण, बिना ट्रायल के ही किसी को अरेस्ट कर लो, मतलब बिना ट्रायल के ही किसी को अरेस्ट कर लो, ठीक है ना। तो ये पता है आपको क्या हो रहा था कि इस समय कैरोट एंड स्टिक की थ्योरी अपना रहे थे ब्रिटिशर्स, कह रहे कैसे, एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स दे रहे थे 1919-1909 में, बहुत इंडियन वालों के एंट्री दे रहे थे किस में, लेजिस्लेचर वगैरह में, और दूसरी तरफ से ऐसा एक्ट ला रहे थे कि आप कुछ भी करके इस मूवमेंट को कम दबाया जा सके। तो इतना एनार्कियल और रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट था इसका एक्चुअली नाम था, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ, गांधी जी को अब इसके खिलाफ गांधी जी सत्याग्रह करना चाहते थे, ठीक ना, इसके खिलाफ गांधी जी बोले कि 6 अप्रैल को हम सत्याग्रह करेंगे इसके खिलाफ में, ठीक है ना। तो अब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके बाद गांधी जी को तो अरेस्ट किया ही जाता है, लेकिन हर जगह पे ऐसे जैसे एक्ट आया तो हर जगह के लोग बोलने लगे ना। तो इसी तरह पंजाब के दो लोग थे, सैफुद्दीन खिचवी और एक का नाम था, क्या नाम था, डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है ना, इनको अरेस्ट कर लिया गया, ये दोनों पंजाब से थे। तो यहाँ पे इनके खिलाफ, मतलब इनके लिए लोग खड़ा हो रहे थे कहाँ पे, लोग जालियांवाला बाग में गए 13 अप्रैल को आराम से, कि जो इस एक्ट से जो प्रॉब्लम हो रहा है ना उसको हटाए। एक तो एक्ट ख़राब है, ध्यान देना, एक तो एक्ट ख़राब है, ऊपर से आप अरेस्ट कर ले रहे हो सीधा सीधा बिना ट्रायल के, बिना किसी चीज़ के आप अरेस्ट कर ले रहे हो। तो इसके खिलाफ़ में लोग गए जालियांवाला बाग में बैठने, प्रोटेस्ट करने। तो अब जनरल डायर आए, लोगों को मारने लगे, इसमें बहुत सारे लोगों का सीधा सीधा डेथ हो गया, ठीक है ना, बहुत लोगों का डेथ हो गया, ठीक है ना। उसके बाद ऑल इंडिया खिलाफत को गांधी जी एक और एक्ट लाते हैं, क्योंकि और भी प्रॉब्लम थे, एक World War I में भी प्रॉब्लम उधर आ रहा था, खलीफा को हटाया गया था, टर्की के जो राजा थे उसके खिलाफ भी, उसके लिए भी गांधी जी ने, फिर गांधी जी ने इसके साथ क्या चलाया, एनसीएम में 3 प्रॉब्लम था मेन, क्या क्या प्रॉब्लम था। गांधी जी NCM क्यों चला रहे थे, क्योंकि एक तो रॉलेट एक्ट ख़राब था, उसके बाद जालियांवाला बाग में इतना हत्याकांड हुआ था, उसके बाद खलीफा को हटाया गया था, ये सब डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये NCM ठीक से चल रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ठीक से चल रहा था, लेकिन होता इस पर क्या है, चौरी चौरा कांड हो जाता है। चौरी चौरा कांड में इतना ऐसा इंसिडेंट था कि इसमें कुछ पेजेंट वगैरह पुलिस स्टेशन को जला देते हैं, क्योंकि गांधी जी का सत्याग्रह का मतलब क्या था कि कभी वायलेंट नहीं होना है, लेकिन ये लोग वायलेंट हो गए। गांधी जी उसी समय क्या किए, गांधी जी उसी समय NCM को रद्द कर दिया। तो अब क्या हो रहा है,
उसके बाद क्या हो रहा था, देखो इधर रिवोल्यूशनरी अलग गुस्से में आ गए, इधर से रिवोल्यूशनरी मूवमेंट और स्टार्ट हो गई, क्योंकि रिवोल्यूशनरी तो ये रिवोल्यूशनरी को लगा गांधी जी हमारे साथ देंगे हर वक्त हर वक्त, लेकिन जैसे ही एनसीएम हटता है तो ये लोग तो मानने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि सबका सब गांधी जी की तरह नहीं सोचते थे, सबका अपना अपना मोटिव होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मोटिव एक ही है कि अंग्रेज़ों को भगाना है, ठीक है ना। उसके बाद 1924 में एक सेशन होता है, पहली बार और आखिरी बार गांधी जी प्रेसिडेंट बनते हैं, बेलागांव में सेशन होता है, बेलगांव में सेशन होता है कर्नाटका में। उसके बाद 1925 से 27 के बीच गांधी जी स्टार्टिंग में तो अपना पॉलिटिक्स छोड़ देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम का मतलब है कि देश के लिए कुछ करना चाहते थे, हरिजन पीपल के लिए कुछ करना चाहते थे, जो गरीबी है उनके लिए कुछ करना चाहते थे। फिर गांधी जी फिर आ जाते हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन उस समय हट जाते हैं, ठीक है ना। 1930-34 में गांधी जी CDM मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, जिसको दांडी मार्च और साल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं। उसके बाद गांधी देखो साल्ट सत्याग्रह गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है उस समय कुछ दिन बाद। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट होता है, गांधी इरविन पैक्ट में ऐसा बोला जाता है कि चलिए हम आपके सारे अरेस्ट जो किए हुए उसको हटा देंगे, लेकिन आप चलिए मीटिंग कर लीजिए, किससे आप मीटिंग कर लीजिए, सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उसके मीटिंग कर लीजिए, ठीक है ना। उसके मीटिंग करके आते हैं, उसके बाद कुछ खास नहीं होता है। उसके बाद गांधी जी एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाते हैं 1934 से 1939 तक। उसके बाद 1939 में गांधी जी फिर आते हैं, उसके बाद गांधी क्योंकि अभी वर्ल्ड वॉर टू चल रहा है, तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि इस पर कि हम अंग्रेज़ को ब्रिटिश को पूरा एकदम दबा दें, क्योंकि ब्रिटिश जिसके खिलाफ लड़ रहे थे वो तो और ख़तरनाक थे, वो तो और एट्रोसिटीज कर रहा था, लेकिन गांधी जी ऐसा भी नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ को लगे कि हम शांत हो गए। तो गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट करवाया, जिसमें विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, ये सब थे, ठीक है ना। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट जिसमें गांधी जी डू और डाई का संज्ञा दिया था कि या तो करो आज़ाद दिलवाओ, नहीं तो आज़ादी दिलवाते हुए तुम मर जाओ, ठीक है ना, क्रम में। हाँ, उसके बाद गांधी जी कैप्टन डिटेंशन एट द आगा खान प्लेस नियर पुणे। गांधी जी इस साल गांधी जी के लिए बहुत खतरनाक थे, गांधी जी अपने पत्नी को खो देते हैं, अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को खोल देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद गांधी जी को जेल हो जाती है उसके बाद कुछ प्रॉब्लम के कारण। उसके बाद ये तो नहीं कुछ है। उसके बाद 1946 में गांधी जी को बहुत अजीब लगता है जब मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन कॉल करते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों का मृत्यु मौत हो जा का डेथ हो जाता है बंगाल और मतलब जो मुस्लिम लीग वाला एरिया था उसमें, ठीक है ना। उसके बाद माउंट बेटन प्लान आता है, ठीक है ना, और गांधी जी मतलब एकदम इसको खुश नहीं थे इस समय, ठीक है ना। उसके बाद गांधी जी की डेथ हो जाती है, नाथूराम गोडसे गांधी जी को गोली मार देते हैं बिरला हाउस एट द इवनिंग प्रेयर एट द बिरला हाउस के उसके आसपास। उनका लास्ट वर्ड था हे राम ऑन हिज लिप्स, ठीक है ना। उसके बाद गांधी जी हैड सजेस्टेड द वाइंडिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस एंड कन्वेंशन। गांधी जी चाहते थे, सजेशन दिए थे कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस आज़ाद हो जाए, देश को आज़ाद करवा ले, तो अपना नाम चेंज कर ले और नाम रख ले लोक सेवक समाज। चाहते थे कि उनका मान था कि पॉलिटिक्स या जर्नलिज्म ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई के लिए ही है, ठीक है ना। यहाँ से यही सेम चीज़ डिटेल में देखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसको ख़त्म करते हैं, तो अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे ये सब। थैंक यू सो मच।